त्रासदी में, बिलासपुर में जहां सड़कों का भयंकर नुकसान हुआ है, हमारे सदर की सारी सड़कें बंद हैं, पीने के पानी की सप्लाइयां जहां से आती थी वो बिल्कुल ठप है, कई स्थानों पर बिजली की व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई है, लोगों के घर कई जगह घर बिल्कुल ढह गए हैं, कई गौशालाएं ढह गई हैं, कई गौशालाओं के अंदर पशु दब चुके हैं, दबके उनकी मृत्यु हो गई है। 21 से 24 जेसीबी हमने मैदान में उतारी हैं सड़कों को रेस्टोरेशन के लिए, और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत कर हमने कहा है कि 40 से ऊपर हमारी जेसीबी जमीन पर होनी चाहिए और प्रत्येक जेसीबी को रूट डिफाइन हो कि कहां से चले, कहां तक, कितना इन्होंने आज काम किया, ताकि सड़कें अगर खुलेंगी तो हमारे बिजली के पोल पहुंचाने में सुविधा होगी, पानी की पाइपें पहुंचाने में सुविधा होगी, हमारी जो सामान्य स्थिति में लाने के लिए पूरे सदर को ये सड़कों की कनेक्टिविटी सबसे पहले है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मिलजुल के हम सब लोग काम कर रहे हैं, एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डिजास्टर है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रदेश सरकार इस डिजास्टर से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, और यह डिजास्टर का दूसरा दौर है। पहला दौर जब कुल्लू मनाली में हुआ हम मान सकते हैं कि दो दिन में हुआ, लेकिन यह दूसरा दौर बरसात में, पहला संकेत आ चुका था, उसके बावजूद प्रदेश सरकार डिजास्टर से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। प्रदेश के मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, ऊपर के लेवल पर यह पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स करें, लेकिन ये आज का समय पॉलिटिक्स करने का नहीं है। आज का समय सरकार एक मुखी होकर एक दिशा में समाज को कैसे बचाया जा सकता है, समाज की ज्यादा से ज्यादा सेवा कैसे की जा सकती है, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकर्ता जो जमीन पर लगा है, मेरा पुनः आप लोगों के चैनल के माध्यम से आग्रह है कि प्रत्येक कार्यकर्ता समाज की सेवा में लगे। हम सब लोग समाज की सेवा के लिए बने हैं, समाज की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, समाज की सेवा में ही काम करें।